Assalamu alaikum. We are still talking about poetry aur ye poetry ko ke examples hum aapke sath share kar rahe hain jo mukhtalif qisam ki types hoti hain ashar ke unke bare mein hum baat kar rahe hain. To aap soch rahe honge bahut sare log sochte hain ki bhai poetry ke bare mein hum itna kyun baat kar rahe hain, kaun sa isse koi paise milne lage hain, kaun sa hum isse koi kamai karne lage hain. Aap hairan honge ki aajkal poetry ki kitni demand hai. Actually, overall creative industry जो है वो बढ़ रही है, उभर रही है, और हम देख रहे हैं कि जो job market है वो creative industry में बहुत ज़्यादा है. तो अगर आपके अंदर ये एक creative skill है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. People are hungry for creative content. उनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं शायरी, appreciate करते हैं. हमने पहले भी बात की कि आजकल तो SMS भी मेरी बड़ी शायरी मिल रही होती है, एक दूसरे को आप social media में share कर रहे होते हैं, और अगर ओरिजिनल शायरी हो तो फिर क्या मज़े हैं. तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपने जो मुख्तलिफ हमने टाइप्स ऑफ पोइट्री है उसके बारे में. हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं मगर अब हम आपके साथ थोड़े से एग्जांपल्स शेयर कर रहे हैं. अगली वाली जो है वो है जी हाइकू पोइट्री. दिस इज़ अ जैपनीज फॉर्म ऑफ पोइट्री. ये तीन लाइनों की होती है जिसमें विच हैज़ अराउंड 5, 7, 5 मोरास. मोरा क्या होता है, वो एक यूनिट होता है, यानी कि सिलेबल की तरह होता है मगर एग्जैक्टली एक सिलेबल की तरह नहीं होता. बट इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो अंग्रेज़ी में लोग कहते हैं कि द क्लोजेस्ट थिंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ अ मोरा इज़ अ सिलेबल. तो हाइकू का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉलिंग टू द ग्राउंड आई वॉच अ लीफ सेटल डाउन इन अ बेड ऑफ ब्राउन. तो आपने देखा कि जो सेकंड और थर्ड लास्ट है वो राइम कर रहे हैं, पहला वाला नहीं है, और जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट पोएम. तो हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे तीन सेंटेंसेस हैं उनमें हमने पूरी की पूरी कहानी जो है वो हमें पता चल गई है इन तीन सेंटेंसेस में, कि यानी कि पत्ता जो है वो ज़मीन पर गिरा है, बहुत सारे और जो पत्ते थे उनके ऊपर, और वो जो बाकी पत्ते थे वो भूरे रंग के थे, यानी कि खिज़ा के पत्ते थे. तो कितना कुछ हमें सिर्फ इन तीन सेंटेंसेस से पता चल गया. इसको हम हाइकू कहते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ख़ास तौर पे जैसे कि हम देखते हैं कि अटेंशन लोगों के पास जो है वो कम होता जा रहा है, वक्त कम होता जा रहा है, वो जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हाइकू जो है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है. अगला जो हम बात करते हैं, जी उर्दू शायरी की, और हम सबको बहुत पसंद है. अहमद फ़राज़ जो हैं वो हमें बहुत पसंद हैं. तो एक थोड़ा सा उनके चंद अशार जो हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ. कि जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आँखों से बहा करता है, जब खिजां आई तो लौट आएगा वो भी, वो बहारों में ज़रा कम ही मिला करता है. तो उर्दू शायरी में भी हम देखते हैं कि रिदम और राइम है, जज्बात का इजहार होता है. आप लोग तो बहुत पढ़ते होंगे, हमें तो अक्सर, और आजकल तो अहमद फ़राज़ जो है वो बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अक्सर हमें नज़र आते हैं. रूमी हैं, अहमद फ़राज़ हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, इकबाल हैं, ये ऐसे शायर हैं, गालिब हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोट किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी ऐसा लिखें कि लोग हमें भी कोट करें. तो ये क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपके अंदर भी होगी, इसको ज़रूर उजागर कीजिए. लिखिए, किसी भी ज़बान में लिखिए, अंग्रेज़ी में लिखिए या उर्दू में लिखिए. उर्दू शायरी जो है वो आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो सारे उर्दू या हिंदी बोलने वाले ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है. तो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि उर्दू पढ़ती भी है और समझती भी है. इसी तरह बट ऑब्वियसली इंग्लिश हैज़ अ मच लार्जर ऑडियंस. अगर आप ग्लोबल ऑडियंस के लिए लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो ज़्यादा मुफीद होती है. तो हम वापस अंग्रेज़ी की तरफ चलते हैं, और अगला जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर मीटर्स की हमने पहले बात की, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है. उसके कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर करेंगे. क्यों कर रही हूँ मैं इसको, क्यों लेकर आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है.
और जो एक बहुत वास्ट एक पोइट्री की जो फील्ड है, यानी इतनी वो ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इतने ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी, इतने मुख्तलिफ इकसाम हैं कि उसमें से जो मैं आपको चुन के वो दिखा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और जिनको आप इस्तेमाल करके यू कैन बिकम पॉपुलर योर सेल्फ एंड योर राइटिंग कैन बिकम पॉपुलर. लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी लिखाई को अप्रिशिएट करेंगे. तो अब तो आपकी लिखाई को शेयर करना बड़ा आसान है, और जब लोगों को पता होगा कि आप अच्छा पोइट्री लिखते हैं तो आप गोस्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, अपनी जो अशार हैं उनको शाया कर सकते हैं एक किताब के ज़रिए. तो हम वापस आते हैं एम्बिक पेंटामीटर की तरफ. तो एक एग्ज़ाम्पल दो, अगेन शेक्सपियर बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, तो उन्हीं का हम लेते हैं. बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रू योंडर विंडो ब्रेक्स, इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन. ये रोमियो एंड जूलियट का एक एक्सेप्ट है. अगला पढ़ते हैं. हर वेस्टल लिवरी इज बट सिक एंड ग्रीन एंड नन बट फूल्स डू वेयर इट कास्ट इट ऑफ. अगर ये पूरे पूरे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेंटामीटर है, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड इसका रिदम होता है, उसी रिदम में उसी हिसाब से ये लिखा जाता है. 5 के मीटर में होता है, 5 मीटर्स होते हैं इसके, और आयाम्बिक होता है जो उसका स्टाइल हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस की जो उसकी रिदम है उसको इस्तेमाल करके आयाम्बिक पेंटामीटर लिखा जाता है. एक और आपको एग्जांपल आयाम्बिक का पढ़ के सुनाती हूँ, एंड ये हमने खुद लिखा है, सो आई होप यू एंजॉय इट. सच लवली लाइलैक इन क्रिम्सन टोन्स as a rainbow of colors fill the sky, radiant and beautiful, soothes my bones, take me above the clouds so far and high, captured in a moment of total bliss, wondering all the time what is life for, suspended in awe like a lover's kiss, never felt like this to my very core, love all around and it's time I was found, beauty everywhere, can't you see her smile, smiling at you and smiling all around? It's time you gave love a chance for a while. But leave me above the clouds, here I'll stay. I have found love in a different way. So, aapne rhyme rhythm dekha, it's an example of a iambic pentameter. And it's poetry about love and finding love. और हर किस्म के love. It's not just about the typical love. वो कहता है कि जी आपको वो चाहिए, आप ज़रूर उसको ढूँढें. मुझे एक मुख्तलिफ किस्म का मिल गया है. इश्क जो है वो किसी और किस्म का है और मैं उसी में खुश हूँ. बादलों में मुझे रहने दो. तो बात जो है वो जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो किस खूबसूरती से, किस अच्छे अंदाज से अशार के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है. हम बात करते हैं फ्री वर्स पोएम्स की. अब फ्री वर्स जो है वो एक नया तरीका है लिखने का, इसमें कोई रूल्स नहीं होते. हम जो है वो सिर्फ जो पिछले हमने बात की ना, आयाम्बिक पेंटामीटर और मीटर्स और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड और ये सब, जो फ्री वर्स है ये किसी भी किस्म का रूल नहीं फॉलो करता. और ज़रूरी नहीं है कि राइम या रिदम हो इसमें, बट एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है. एक बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात नहीं करता, एक आर्टिस्टिक तरीके से बात करता है. इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोएट्री. यहाँ पर एक जदीद तरीके से लिखे जाने की तरीका है अशार, मगर ये जदीद तरीका भी जो है कई सालों से मौजूद है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आई विल शेयर एन एग्जांपल. आफ्टर द सी शिप, आफ्टर द विस्लिंग विंड्स, आफ्टर द वाइट ग्रे सेल्स टॉट टू द स्पार्स एंड रोप्स, बिलो अ माइरिड माइरिड वेव्स हेस्टनिंग लिफ्टिंग अप देयर नेक्स, टेंडिंग इन सीजलेस फ्लो टुवर्ड द ट्रैक ऑफ द शिप, वेव्स ऑफ द ओशन बबलिंग एंड गर्गलिंग ब्लिथली प्राइम, waves undulating, waves liquid, uneven, emulous waves. Toward that whirling current, laughing and buoyant with curves, where the great vessel sailing and tackling displaced the surface.
आपने देखा होगा कहीं राइम नहीं है, कोई मैच नहीं हो रहा, मगर बड़े क्रिएटिव तरीके से उसने अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, जो अपनी लिखाई है वो प्रेजेंट किए. इट्स वन ऑफ द ग्रेट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. आप रूल्स को फॉलो किए बगैर एक पोएटिक तरीके से अपनी कहानी, अपनी बात या अपनी नरेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. आई होप कि आप जो है पोइट्री को आपने समझा हो. आई हैव बीन एबल टू शेयर थ्रू एग्जांपल्स के होती क्या है. एक छोटे से हमारा जो यहाँ पर मकसद था आपके साथ पोइट्री से पोइट्री के बारे में बात करना, वो यही था कि आपको थोड़ा सा एक टेस्ट दिया जाए, एक फ्लेवर दिया जाए कि पोइट्री कैसे लिख सकते हैं, क्या होती है, इसके फॉर्म्स क्या हैं. एक आई होप कि आपको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा ताकि आप अगर इसको लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, तो और भी कोर्सेज कीजिए, और भी जगह देखिए, ऑनलाइन जाइए. यू विल बी सरप्राइज कि जब आप guru.com या फ्री वर्क्स पे जाएंगे, फ्रीलांसर्स पे जाएंगे, या किसी भी और फ्री ऑनलाइन जॉब साइट्स पे जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कि पोइट्स को ढूंढती हैं, पोइट्री को ढूंढती हैं. और ख़ास तौर पे जो आजकल का क्रिएटिव कंटेंट जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे वो ब्लॉग्स के लिए हो, चाहे वो किताबों के लिए हो, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पोइट्री को ढूंढते हैं, ओरिजिनल पोइट्री को ढूंढते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. सो आई होप यू राइट पोइट्री एंड वी सी अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू. थैंक यू.